मसूरी में दिखी रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा की बदसलूकी। बिना मास्क घूमने पर पुलिसकर्मी ने काटा चालान, तो आग बबूला हो उठे विधायक जी और उनके परिजन। सुनो ठीक है, सारी बातें सही है, लेकिन आप ऐसी बदतमीजी करोगे? एक से कोई मेरे पास ये कौन चिल्ला रहा है अब? है नाम बताना, कौन चिल्ला रहा है? बाद में विधायक प्रदीप बत्रा ने चालान काट रहे एसआई की तरफ फेंका 500 का नोट, दिखाया आक्रोश। राजस्थान के बांसवाड़ा में कुशलगढ़ की विधायक रमीला खाड़िया पर पुलिसकर्मी को तमाचा जड़ने का आरोप, जांच के दौरान भतीजे की गाड़ी रोकने पर हुई खफा, केस दर्ज। राजस्थान के कोटा में बाइक सवार 6 युवक ने सरेआम की फायरिंग, एक दुकान में बैठे लोगों पर निशाना साधा, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। देश में सुस्त पड़ी कोरोना की दूसरी लहर, पिछले 24 घंटे में 60,471 नए कोरोना केस सामने आए, 73 दिन में सबसे कम है ये आंकड़ा। कोरोना से मौत बनी हुई है चिंता की खबर, देश में 24 घंटे में कोरोना से 2,726 लोगों की गई जान। देश में कोरोना से अब तक 3,77,031 लोगों की जा चुकी है जान। देश में अभी 9,13,000 से ज्यादा कोरोना एक्टिव केस। देश में अब तक 25,90,44,000 से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। दिल्ली एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल, आज होगी स्क्रीनिंग, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच तैयारी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारी तेज, देश में लगाए जा रहे हैं 850 ऑक्सीजन प्लांट। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 131 नए मरीज, एक दिन में 16 लोगों की मौत। अनलॉक 3 के पहले दिन दिल्ली की सड़कों पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार, लॉकडाउन के बाद जाम के हालात। तमिलनाडु में थम नहीं रहा कोरोना से मौत का सिलसिला, 24 घंटे में 254 लोगों की कोरोना ले चुका है जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 8,129 मामले, 200 मरीजों की मौत। एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी में कोरोना की दूसरी लहर पर पूरी तरह काबू, एक भी कोरोना केस नहीं। तमिलनाडु में नहीं थम रही कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटे में 12,772 नए कोरोना केस सामने आए। कर्नाटक में भी 24 घंटे में सामने आए 6,835 कोरोना के नए मरीज, 120 ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 242 ताजा मामले, 36 मरीजों की मौत। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा और गैंगरेप की वारदात पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, एसआईटी जांच की मांग। पीड़ित महिलाओं ने गैंगरेप की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार, टीएमसी समर्थकों पर आरोप। करीब 50 बीजेपी विधायकों के साथ शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से की मुलाकात, सूबे में हिंसा और कानून व्यवस्था पर ज्ञापन सौंपा। बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने कहा, बंगाल में प्रजातंत्र अंतिम सांस ले रहा है, हिंसा और गैंगरेप पर सीएम का नहीं आया कोई बयान। सुनवाई से पहले टीएमसी की सफाई, चुनाव बाद हिंसा और गैंगरेप में टीएमसी का हाथ नहीं, पूरे मामले के पीछे बताया सियासत। अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीएम योगी ने मांगी रिपोर्ट, मंदिर ट्रस्ट की सफाई, कहा 10 साल पहले का है एग्रीमेंट, सरकारी रेट से कम पर खरीदी गई जमीन। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने दी सफाई, बोले एकदम सही है डील, सामने आ जाएंगे सारे दस्तावेज। अयोध्या में विवादित जमीन पर पहुंचा आज तक, यहां मंदिर बनाने की योजना बना रहा है ट्रस्ट। सुल्तान अंसारी को ढूंढने घर तक पहुंची आज तक की टीम, इसी से ट्रस्ट ने खरीदी है जमीन। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ट्वीट, हमने ही रखी बुनियाद, हम ही 22 से करेंगे शुरुआत। चिराग पासवान को लगा जोर का झटका, पशुपति पारस चुने गए एलजेपी संसदीय दल के नेता, लोकसभा स्पीकर ने लगाई मोहर। एलजेपी संसदीय दल का नेता चुने जाने पर बोले पशुपति पारस, हमने पार्टी तोड़ी नहीं बचाई है, चिराग से कोई मतभेद नहीं। पशुपति पारस ने नीतीश कुमार को बताया विकास पुरुष, कहा एनडीए में बने रहेंगे। डैमेज कंट्रोल करने चाचा के घर पहुंचे चिराग पासवान, करीब 35 मिनट नहीं खुला दरवाजा। सूत्रों के मुताबिक आज शाम पशुपति पारस और चारों सांसद पहुंचेंगे पटना, जल्दी ही पार्टी अध्यक्ष पर दावेदारी पेश कर सकते हैं पारस। बीती शाम पीएम आवास पर हुई हाई लेवल बैठक, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, सदानंद गौड़ा समेत कई वरिष्ठ मंत्री रहे मौजूद। कोरोना लहर कम होते ही चुनाव मोड में आई बीजेपी, खबरों के मुताबिक चुनाव वाले राज्यों में करेगी चिंतन बैठक। यूपी में सुनाई देने लगी चुनाव की आहट, 9 आईपीएस अफसरों के तबादले। दिल्ली में लालू यादव से मिले अखिलेश यादव, जाना आरजेडी सुप्रीमो की सेहत। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा सभी सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी।
पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग पर देश आग बबूला, कई जगहों पर पेट्रोल प्रति लीटर दाम लगा चुका है शतक। यूपी के मुरादाबाद में दरिंदगी भरी वारदात, गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में पिटाई से एक युवक की मौत, पुलिस ने कुछ को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक हिस्ट्री शीटर के पैर में लगी गोली, दो साथी हुए फरार। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में फिर निकला लिंचिंग का जिन, गौ तस्करी की आशंका में किसान को पीट पीट कर मार डाला। कैमूर में पहली बारिश ने खोली पोल, अस्पताल बना तालाब, मरीजों की बड़ी मुश्किल। अस्पताल के भीतर का जल भराव, नर्सेस को ड्यूटी करने में दिक्कत। हरियाणा के जींद में एक स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या, 3 साल पहले की गई थी बेटे की हत्या। स्कूल संचालक के बेटे की साल 2018 में रोहतक में गोली मारकर की गई थी हत्या, बेटे की हत्या के केस में पिता था गवाह। जलपाईगुड़ी में रिहायशी इलाके में आया हाथी, पुलिस ने कभी बंदूक से दागे गोले तो कभी मचाया शोर।